टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं खबरों में रहे हसनंबा त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है केरल महाराष्ट्र कर्नाटक ओडिशा सही जवाब है इसका ऑप्शन सी कर्नाटक हासन जिला प्रशासन इस साल साधारण रूप से हसनंबा यात्रा महोत्सव पर विचार कर रहा है हसनंबा यात्रा महोत्सव प्रत्येक वर्ष कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक धार्मिक महोत्सव है यह फेस्टिवल इस वर्ष पांच से सत्रह नवम्बर के बीच मनाया जाना है प्रशासन ने इस वर्ष त्योहार के पहले और अंतिम दिन धार्मिक समारोहों के आयोजन को सीमित करने की बात कही है कोविड कोविड-19 के चलते सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि भक्तों को देवता के दर्शन हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा सके तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि अगला सवाल है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेज 2020 समिट का उद्घाटन किया है इस समिट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है पर्यावरण संरक्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता भ्रष्टाचार उन्मूलन या फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सही जवाब है इसका ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल वर्चुअल समिट का उद्घाटन किया यह शिखर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा अकादमी और उद्योग की साझेदारी में आयोजित किया जाता है इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों को बदलना है भारत ने हाल ही में यूएस ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी और कनाडा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप में हिस्सा लिया था यह शिखर सम्मेलन समावेशी सामाजिक सशक्तिकरण कृषि स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ए के उपयोग और आदान प्रदान पर सहमति के लिए आयोजित किया गया आपको बता दें कि ए कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मनुष्यों की तरह व्यवहार करने में सक्षम बनाती है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अगला सवाल है विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है चार अक्टूबर पांच अक्टूबर छह अक्टूबर या फिर सात अक्टूबर सही जवाब है इसका ऑप्शन बी पांच अक्टूबर हर साल पांच अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है इस वर्ष इसकी थीम हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर रखी गई है अनुमान है कि लगभग एक दशमलव आठ बिलियन लोग अभी भी झुग्गियों और झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं लगभग तीन बिलियन लोगों के पास हाथ धोने जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है इसके अलावा शहरों में लोग अभी भी बेघर हैं या उनके पास पर्याप्त आवास की उपलब्धता नहीं है आईएलओ के अनुसार लगभग चार बिलियन लोग किसी भी प्रकार के सामाजिक संरक्षण से लाभान्वित नहीं होते हैं संयुक्त राष्ट्र अपने संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के तहत हर साल स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान करता है इसे उन्नीस में लॉन्च किया गया था यह पुरस्कार वर्तमान में दुनिया में ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अगला सवाल है भारत किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर में अवैध तेल रिसाव की निगरानी के लिए सैटेलाइट प्रणाली का शुभारंभ करने वाला है जापान फ्रांस चीन या फिर अमेरिका सही जवाब है इसका ऑप्शन बी फ्रांस भारत फ्रांस के साथ मिलकर हिंद महासागर में अवैध तेल रिसाव की निगरानी के लिए सैटेलाइट प्रणाली का शुभारंभ करने वाला है निगरानी सैटेलाइटों के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में जहाजों से अवैध रूप से तेल रिसाव जैसी घटनाओं पर नजर रखी जाएगी ताकि समुद्री जल को विशैला होने से रोका जा सके ये उपग्रह ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स टेली और रडार इंस्ट्रूमेंट्स से लैस होंगे यह प्रणाली दुनिया की पहली अंतरिक्ष आधारित प्रणाली है जो लगातार हिंद महासागर के जहाजों पर नजर रखने में सक्षम होगी इन उपग्रहों का संचालन फ्रांस और भारत दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है आपको बता दें कि सी इसरो पहले से ही कई जलवायु निगरानी उपग्रहों को एक साथ संचालित कर रहे हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर महिला को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है मध्य प्रदेश छत राजस्थान छत्तीसगढ़ या फिर बिहार सही जवाब है इसका ऑप्शन डी बिहार हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के लिए ट्रांसजेंडर महिला को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया मोनिका दास को पहली ट्रांसजेंडर महिला के रूप में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पीठासीन मतदान अधिकारी बनाया गया है मोनिका दास को पटना में अन्य मतदान अधिकारियों के साथ ही चुनाव कर्तव्यों से संबंधित सभी प्रशिक्षण दिए जाएंगे बिहार किसी भी चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में ट्रांस नियुक्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है आपको बता दें कि इससे पहले ट्रांसजेंडर महिला रिया सरकार को 2016 में पश्चिम बंगाल में एक मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था बिहार में लगभग चालीस हजार ट्रांसजेंडर है इस तरह इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था इंडिया पीवी एज 2020 नामक एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन करेगी शिक्षा मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय नीति आयोग या फिर इसरो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी नीति आयोग नीति आयोग इंडिया पीवीएच 2020 नामक एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन करेगी इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सहयोग भी लिया जाएगा इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में सौर विनिर्माण क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का अनावरण और प्रचार करना है भारत का उद्देश्य सौर विनिर्माण की कीमतों को कम करने के लिए सौर डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना है गौरतलब है कि भारत ने सितंबर 2020 में पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था आपको बता दें कि भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन जल में विलेय होता है विटामिन ए विटामिन बी वन विटामिन डी विटामिन ई e. सही जवाब है इसका ऑप्शन बी विटामिन बी वन जल और वसा में विलेयता के आधार पर विटामिन को दो समूहों में बांटा गया है वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन वसा में विलेय विटामिनों में उन विटामिन को रखा गया है जो वसा तथा तेल में विलेय होते हैं लेकिन जल में नहीं ये यकृत और एडिपोस ऊतक यानी वसा संग्रहित करने वाले ऊतक में संग्रहित रहते हैं ये विटामिन विटामिन ए विटामिन डी e, विटामिन ई और विटामिन के बी वर्ग के विटामिन और विटामिन सी जल में विलेय विटामिन होते हैं अतः विटामिन बी वन भी जल में विलेय है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अगला सवाल है विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बेरीबेरी विटामिन बी वन रतौधी विटामिन डी स्कर्वी विटामिन के रक्त का थक्का ना बनना विटामिन बी ट्वेल्व सही जवाब है इसका बेरीबेरी विटामिन बी वन विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है विटामिन बी वन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है बात करें कैल्शियम की तो इसकी कमी से हड्डी और दांत संबंधी रोग होते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा यानी ग्वायटर रोग होता है आयरन की कमी से रक्त अल्पता खून की कमी यानी एनेमिया रोग होता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कैल्शियम हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है हमारे शरीर में आयोडीन की जरूरत थायरोक्सिन के संश्लेषण में होती है वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है या फिर आयरन लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायक होता है सही जवाब है इसका ऑप्शन सी भिन्न भिन्न भिन पोषक तत्व हमारे शरीर में भिन्न भिन्न भिन भूमिका निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं वसा से भी ऊर्जा मिलती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है कैल्शियम हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है हमारे शरीर में आयोडीन की जरूरत थायरोक्सिन के संश्लेषण में होती है आयरन लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायक होता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसेकेराइड का उदाहरण नहीं है ग्लूकोज सुक्रोज माल्टोज या फिर लैक्टोज सही जवाब है इसका ऑप्शन ए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है मोनोसेकेट ओलिगोसेराइड और को और पॉलीसेक्राइड ओलिगोसेकर इत्यादि भागों में बांटा गया है डाई के प्रमुख उदाहरण है सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं जबकि माल्टोस ग्लूकोज की दो इकाइयों से मिलकर बना होता है बात करें लैक्टोज की तो यह गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है दूध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे प्राणी स्टार्च कहा जाता है स्टार्च सेलुलोज माल्टोज या फिर ग्लाइकोजन सही जवाब है इसका ग्लाइकोजन प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है क्योंकि इसकी संरचना के समान होती है 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 अतः इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता यह यकृत मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोज की जरूरत होती है तब एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है ग्लाइकोजन यीस्ट तथा कवक में भी मिलता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है एक से सात अक्टूबर पांच से ग्यारह अक्टूबर दो से आठ अक्टूबर या फिर ग्यारह से अठारह अक्टूबर इस प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक ख्याल रखिए गुड बाय